हेलो दोस्तों, एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र है बाबा सिद्धनाथ की दरी का है और हम लोग गेट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप बनारस से सिद्धनाथ दरी का रोड ट्रिप है आप मेरे यूट्यूब चैनल एंडलेस जर्नी पर देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग सिद्धनाथ दरी पहुँच चुके हैं और गाड़ी पार्किंग करके वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सिद्धनाथ दरी पहुँचते ही आपको गेट पर बाइक की एंट्री फीस 20 रुपये है और कार की 50 रुपये है। और दोस्तों, यह बनारस से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। भूमि कैसा है? दोस्तों, चुनार से इसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है और चुनार से आप बस या ऑटो से भी आ सकते हैं। बाबा सिद्धनाथ की दरी चुनार और चुनार के आसपास के क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जल 100 फीट की ऊंचाई से धरातल पर गिरता है, जिससे इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मनमोहक व्यू मिलता है। और दोस्तों, झरने के चारों तरफ का जो परिदृश्य होता है, प्राकृतिक वातावरण होता है, वह बेहद ही खूबसूरत लगता है। यह जो झरना है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, इस प्राकृतिक जलप्रपात का नाम सिद्धनाथ बाबा के नाम पर पड़ा है, जो यहाँ साधना किया करते थे। यह स्थल स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा लोग पुराने शैल चित्रों एवं नक्काशियों का अध्ययन करने के लिए भी यहाँ आते हैं। यह प्राचीन शिला स्थल एवं झरना पुरातत्व काल से अस्तित्व में है। इस जलप्रपात के पास बाबा सिद्धनाथ की दरी समाधि स्थल भी है। दोस्तों, जब चुनार से आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रोड के चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलेगा। और आते समय आपको दो और टूरिस्ट स्पॉट दिखाई देंगे, एक दुर्गा जी का मंदिर और इसके अलावा एक अड़गड़ानंद महाराज जी का धाम। इस दौरान दोस्तों, मेरी बच्ची ने खूबसूरत पल बिताया यहाँ पर और झरने को देखकर तो एकदम से दिल खुश हो गया। अगर दोस्तों, आप अपना वीकेंड यहाँ पर प्लान करना चाहते हैं तो आप संडे के दिनों में आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मानसून के समय में झरना अपने चरम सीमा पर होता है और फिलहाल में इस बार बारिश बहुत अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी झरना चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, इंजॉय करिए। और काफ़ी मनमोहक व्यू है यहाँ का। और बनारस से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आसानी से पहुँचा भी जा सकता है। और यहाँ पर खर्चे भी बहुत कम है। यहाँ पर एंट्री के नाम पर बाइक का केवल 20 रुपये और कार का केवल 50 रुपीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सिद्धनाथ दरी नहीं घूमना चाहते हैं, आप अगल बगल का दूसरा वाटरफॉल घूमना चाहते हैं, तो आप लखनिया दरी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि लखनिया दरी वाटरफॉल पिछले एक सप्ताह से खुला हुआ है पर्यटकों के लिए। और इसके अलावा राजदरी देवदरी भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और शौकीन हैं वाटरफॉल के, तो राजदरी देवदरी वाले रास्ते पर यानी कि नौगढ़ बढ़ते समय आपको एक औरवा टांड वाटरफॉल मिलेगा, जो कि वह भी बेहद ही खूबसूरत है और वह भी वाटरफॉल रनिंग कंडीशन में है। और हो सकता है अपने अगले एपिसोड में हम औरवा टांड वाटरफॉल का वीडियो अपलोड करें। दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट एक दिन का समय निकालें और यहाँ के झरने में, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में एकदम से खो जाइए और आपको काफ़ी आनंदित महसूस होगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर खाने पीने के नाश्ते की बात की जाए तो यहाँ पर बाटी चोखा और पकौड़ी और इसके अलावा जो भुट्टा यानी कि कॉर्न कहते हैं, वह भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है इस दौरान आप। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पानी की व्यवस्था तो रहती ही है। कुछ लोग दोस्तों जो नीचे झील है वहाँ तक भी जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए, तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल एंडलेस जर्नी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो जलप्रपात है यहाँ पर स्नान किए हम और मेरी बेटी भूमि। और स्नान करने के बाद हम लोग अब प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग वापस जाना शुरू कर दिए हैं। मेरी बच्ची पत्थरों पर कूदते डाँटते हुए इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अगर आप खाना पीना बनाना चाहते हैं तो आपको 25 लीटर वाला पानी का गैलन भी मिल सकता है काफ़ी किफ़ायती रेट में।